Hi guys, this is Ali Abbas. This is Something Odd. Please don't forget to subscribe and hit the like button. हसन चौधरी, योर ट्यून इन टू समथिंग हॉट। आज जिन शख्स के साथ मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, बहुत ही मेहनती इंसान है। मैं उनके ड्रामों की लिस्ट देख रहा था, तो पिछले कुछ 7 सालों में उन्होंने अराउंड 50 सीरियल्स में काम किया है। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड दैट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनती तो हैं ही, बहुत ज़बरदस्त एक्टर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के भी वो हामिल हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं अली अब्बास के साथ। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम सर, क्या आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने तो... और अभी दिया है इम्प्रॉम्प्टू। मानते हैं आप भाई को फिर? सर सर सर, अच्छा मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे अगर कोई जरा सी भी तारीफ करते ना, मुझे आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। की करिए फिर, की करिए, कार चलिए। नहीं अली, थैंक यू पहले तो फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। शॉर्ट नोटिस पे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। आजकल आपका ड्रामा आ रहा है घिसी पिटी मोहब्बत, आप बशारत बन के आए और आते ही आपने क्या फायरिंग की, कमाल की, छा गए, आ गए और छा गए ठा करके मेरे ख्याल में। बट उसके ऊपर हम बात करते हैं। बट जैसे मैंने इंट्रो में कहा, 7 years यू स्टार्टेड वर्किंग इन 2013। यस। और विद इन दिस 7 years यू हैव डन व्हाट, क्लोज टू 50 प्रोजेक्ट्स? क्लोज टू 50। आई विल बी स्टार्टिंग माय 46th प्रोजेक्ट इन अ मैटर ऑफ अ वीक। 46 projects in 7 years. That yes. comes to an average about 7 projects a year. Almost. और interesting बात यह है कि मैं अपने audience को भी साथ साथ on board ले लूँ इस बात के ऊपर कि साल में जो आप ये 6-7 ड्रामे करते हैं, उनमें से 2 छक्के तो आप मार ही देते हैं। लग जाते हैं ऐसे ही बस। ऐसे तो नहीं ना फिर, मतलब consistently ऐसा हो रहा है कि like you know if you talk about last year, जी. you had a कहीं दीप जले at on your hands. मैसिव हिट और रेटिंग्स भी उसकी बड़ी जबरदस्त आई, व्यूवरशिप भी बहुत ज्यादा आई। अभी दीवानगी लास्ट ईयर से चलते चलते इस ईयर तक मेरे ख्याल में लास्ट ईयर शुरू हुआ था जी। ये दोनों प्रीटी मच स्टार्ट व्हेन आई डाइड इन कहीं दीप जले और आप दीवानगी में सिलेक्शन हो गई आप जी, और फिर अगेन बिग हिट। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये ऑडियंस के साथ कॉर्ड नहीं स्ट्राइक कर रहा, पॉपुलैरिटी भी माशाल्लाह जबरदस्त आ रही है, रेटिंग्स भी आ रही है, तो ये कौन सा ऐसा आपकी पास एक जादू की छड़ी है या ट्रिक है, क्या ये कर रहे हैं आप और कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह हैज बीन रियली काइंड। मैं समझता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड एज एन एक्टर के 2013 में व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अराउंड कपल ऑफ इयर्स आई हैड जीरो वर्क, ऑलमोस्ट जीरो वर्क। ना पैसे होते थे, ना पैसे मिलते थे और ना काम मिलता था। And I was, and sorry, and this being Wasim Abbas's son, and I just said Bhatti's grandson, and yes, so coming from a family of actors, and my cousins being in the industry, and at that point of time, Aga Ali, who's my first cousin, we've lived together, we've grown up together, he was a superstar, so you know, they were automatically the comparisons were there with my father, with my cousin, and with my family, and I was almost labeled as a failure. You know, the first failure of the family. But I was, interestingly, I was on the verge of quitting acting. Achha. You know, I'd worked really hard to become an actor. And, but when I entered the field, the treatment was so that I realized ki, oh my God, ye to galat ho gaya. Kyun, lekin kyun? I think, mujhe aise lagta tha, jo ke, khuda ka shukr hai, meri mentality change hui ke, jo hamari एक मेंटालिटी ना जनरली कंस्पिरेसी थ्योरी की कि मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है, यू नो दिस समथिंग, आई एम परफेक्ट। मेरी तो गर्लफ्रेंड्स मुझे बहुत कहती हैं कि वाओ बड़ा स्टाइलिश है, मैं बात इतनी अच्छी करता हूँ, मेरी आवाज वाह 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 जबरदस्त, बट ये एक बहुत अलग जगह है, यू नो टेलीविजन कैमरा एक्टिंग एक्टर्स ये बड़ी अलग जगह है। एंड देन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब मैं एंटर हुआ तो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने टेक ओवर किया हुआ था।
A and B. They were everywhere, everywhere. If an actor is working with A and B, he will become a superstar sooner or later. और मैंने आज दिन तक ए एन बी के साथ सिर्फ तीन काम किए थे. बट आपका डेब्यू प्रोजेक्ट वाज विद ए एन बी डायरेक्ट. माय डेब्यू नो माय डेब्यू प्रोजेक्ट वाज विद सानिया सईद. इट वाज अ वेरी इट वाज अ ह्यूज प्रोडक्शन एंड आई हैड अ 7 डे वर्क इन दैट प्ले. आई वाज प्लेइंग द नहीं अ बिग जो बिग आपका प्रोजेक्ट था डायरेक्टेड बाय योर फादर दैट वाज फॉर ए एन बी राइट. दैट वाज फॉर ए एन बी एंड आई वाज द लास्ट चॉइस व्हेन दे कुडंट फाइंड एनी अदर गाय. I was there because I had ये कैसे हो सकता है कि आप अपू ड्रामा बना रहे हैं और वो बोलें कि यार के एंड में मैं सिर्फ अपने बेटे को लूंगा. मुझे तो लगा वो आपकी लॉन्च व्हीकल. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक पॉइंट पे अपने अब्बा से सड़ भी गया था. अच्छा. जब वो कास्टिंग कर रहे थे और एक एक्टर नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, तो मेरे घर में मेरे बहन भाई मेरी बीवी सब सड़ गए थे कि यार पर ये बैठा हुआ इसको क्यों नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो कह रहे थे जब तक ए एन बी वाले खुद नहीं कहेंगे मैं कुछ नहीं कह सकता. आई जस्ट कांट, यू नो दैट इज द थिंग. This work has been a profession for my family. It's not a hobby. It's not a hobby for me. It has never been a hobby for my father. My grandfather was a singer, producer, director, and God knows what, what. But this has always been the profession. So वो जो professional ethics हैं, उसके बड़े सख्त हैं मेरे अब्बा जी, और वो आज दिन तक हैं. अगर हम कभी इत्तेफाक से कोई एक ड्रामा कट्ठे कर लें, अब वो मुझसे बात नहीं करते सेट पे. और अब मेरी भी प्रैक्टिस है कि मैं भी चुप करके बैठा रहता हूँ. I am the loudest at the set, but when he is around, I am just, you know, quiet. लोग कहते हैं यार, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे को एक्टर्स के, यार अच्छा अब्बू है ना पास, तो अब ये बोलेगा नहीं. So you know, they keep asking me questions, so generally मैं जिनके जवाब बढ़ चढ़ के दे रहा होता हूँ. So you know, हमारे family dynamics कुछ ऐसे हैं कि all of us, alhamdulillah, we can easily claim that we are self-made, all of us, because लोगों ने हमारी जर्नीज देखी हैं. बट वन वुड थिंक ना अली के यार इतनी बड़ी फैमिली से ये लड़का आ रहा है, इतनी लेगेसी है, सालों की नहीं दिहाइयों की लेगेसी है, तो इसके लिए क्या मुश्किल होगा? और एक आजकल कॉन्वर्सेशन है भी इसके इर्द गिर्द बिल्ड नैरेटिव के, यार के फेवरेटिज्म है या नेपोटिज्म है. हमारे मुल्क में मुझे लगता है कि नेपोटिज्म से ज्यादा फेवरेटिज्म का एक जो है किस्सा वो ज्यादा चलता है. मुझे एक बात बताइए आप, नेपोटिज्म तो है और वो नेपोटिज्म पूरी दुनिया में. अब अगर मार्टिन स्कॉर्सेजी ने रॉबर्ट डी नीरो के साथ 7-8 फिल्में की नहीं है, तो क्या आप उसे नेपोटिज्म कहेंगे? बट वो मार्टिन स्कॉर्सेजी है और वो रॉबर्ट डी नीरो. एग्जैक्टली. साडे कोल केड़ा रॉबर्ट डी नीरो? नहीं, साडे कोल कोई रॉबर्ट डी नीरो है जिहड़े 7 फिल्में स्कॉर्सेजी नाल? तो मैं कहां ठीक है, ए वेखो ना साडा फेलियर, दिस इज आवर फेलियर. वी हैव नेवर एवर मैनेज्ड टू बिल्ड एन इमेज. I mean, we've had great actors. True. When you look at the legacy of the television or film industry, we had Rahat Kazmi sahab, Shafi Mohammad sahab marhoom, Abid Ali sahab, Kavi sahab, my father, Firdaus Jamal sahab, Taukeer Nasir sahab, Numan Ejaz sahab, and the list goes on and on and on and on. No, I agree with you, absolutely. But having said all this, I feel very angry when I look at, you know, why I agreed to come to this show was the fact that, was because of the fact that I adore and love you guys for doing what you're doing. You are actually providing great service to the field. Aapki wajah se ab actors ka naam logon ko pata chalega. Aapki wajah se ab logon ka kaam pata chalega. Aapki wajah se achhe aur bure ki tameez paida hogi. Ye pehle ho nahi raha tha. Shukriya yaar, aap bhi kuch log niraaz bhi ho jate hain. Are sir, dekhiye sir, ye process hai. Ye process hai. Jaise ek bachcha hai, mere dono bachche jo hai wo paida hote hi sabzi nahi khate the. Aahista aahista unko ek cheez, कभी आलू खिलाया, उन्हें फेंका, दोबारा खिलाया, थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हुआ. आपकी ऑडियंस भी इसी तरह है, वो इन्फेंट रहेगी हमेशा, क्योंकि दुनिया में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. आप क्यों नहीं करेंगे? आप इसलिए नहीं कर सक रहे थे क्योंकि यहाँ पर ऐसे शोज नहीं हो रहे थे जो गलत या सही क्रिटिसिज्म तो दें, बताएं तो सही कि यार ये थप्पड़ गलत मारा, इतने थप्पड़ नहीं मारने थे, या ये एक्टर ने गलत यहाँ पे की एक्टिंग, ये नहीं होना चाहिए था. तभी तो ट्रायल एंड एरर से गुजर के हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी. जब आप ट्रेंड्स को चेंज करेंगे आप लोग, क्योंकि आप अब आप लोगों के हाथ में, अनफॉर्चुनेटली अब हमारे हाथ में नहीं रहा. हमारे पास वही स्क्रिप्ट आता है, ये लड़का बाहर से आया, इसकी बाहर एक गर्लफ्रेंड थी, यहाँ शादी कर ली, गर्लफ्रेंड वापस आ गई, एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया, ब्ला 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 ब्ला. ये नैरेटिव जो आप लोग देते हैं, जो आप लोग तनकीद करते हैं और प्रोडक्टिव तनकीद करते हैं, और अब 2-3 शोज हो गए जिनकी बहुत व्यूअरशिप है, तो तब ये सारी चीजें चेंज होनी शुरू होंगी. अब ये घिसीपिटी मोपट इज अ परफेक्ट एग्जांपल, ये एक अलग कहानी है. अगर इसके ऊपर आप लोग बात ना करते या बाकी बात ना करते, तो ये फेड अवे कर जाती कहीं अंदर ही.
ये ग्रेट परफॉर्मेंस, ये ग्रेट स्टोरी राइटिंग, ग्रेट डायरेक्शन, ये सब बातें ही ना होती। और घिसी पिटी के अंदर ही आप लोग फॉल्ट्स भी निकाल रहे हैं, आप लोग बताते भी हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं अच्छी, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट है यू डायरेक्टली एड्रेस द राइटर और द डायरेक्टर ऑफ एनी ऑफ द सीरियल दैट यू टॉक अबाउट। तो मुद्दा ये है कि ये ट्रेंड चेंज आप लोगों ने करनी है। ये तो मैं अवार्ड आप लोगों को शुरू दिन से दे रहा हूं, मैं बहुत खुश था कि यार शुक्र है किसी ने ये किया। डिनेरो क्यों नहीं बना, वापस उस पे आते हैं, मैं बोलता बहुत ज्यादा हूं ना, डिनेरो क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे कोई, या पचीनो क्यों नहीं बन रहा, या जैक निकलसन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमने वो इज्जत आपसे पहले कभी अपने एक्टर्स को दी ही नहीं। मुझे बताइए आज की जनरेशन में किसको पता है कि आबिद अली साहब के कौन से सीरियल में, ट्रू, किसको पता है कि उनके उनकी डायरेक्शन में उन्होंने कितने अच्छे सीरियल्स बनाए, उन्होंने किसको लॉन्च किया है, किसको पता है कि नुमान एजाज साहब को किसने लॉन्च किया है, किसको पता है कि फिरदौस साहब ने क्या क्या कैरेक्टर्स किए हैं। आप यकीन करें मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आज की जनरेशन को मेरे दादाजी के बारे में नहीं पता, बिकॉज फॉर मी ही इज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। मेरे मखणा गाण के उन्होंने पता नहीं गाया किने किने गाया, उन्होंने पता ही नहीं। आज तक आजकल तो यह भी हो गया ना कि उन्होंने अंग्रेजी से भी गाल कर लेने, लेकिन जिन्होंने जरा जी आज हिंदी हो कहती है क्या मतलब क्यों, सो यू नो दीज थिंग्स पिस मी ऑफ बिकॉज आई वॉज अ कॉर्पोरेट लॉयर। अच्छा, यस, वो ये आई डिडंट नो। I was a corporate lawyer. Sir, I have 3 graduation degrees. I have a degree in law. I was a practicing lawyer in the corporate side. Jithe bada paisa ban janda fir, jo tusi ko 5-6 saal. No, then it's safe to say that you're not in this game for the money. No, no, not at all. If you were a corporate lawyer, then you were probably making a lot more money than you. Sir, मैं CSS के papers भी दिए, मैं pass भी हो गया, मैं भाग गया। अच्छा जी, मैं NCA चला गया उसके बाद, जब मैं 4 साल बड़ा था अपनी क्लासमेट सब क्लासमेट से, सो यू नो आई वाज द एल्डेस्ट इन द क्लास। बट तो मेरे अब्बा जी ने कहा था कि जे तेनू उन्होंने NCA वड़न भी देता तो मेरा नाम बदल दे, तो यू नो अब मेरा जो जो तो आपके अंदर वो कीड़ा है, आप वो एक्सीडेंटल एक्टर नहीं है। नहीं सर, आई हेट द एक्सीडेंटल एक्टर टर्म। क्या होता है, आप एक्सीडेंटल डॉक्टर सुना है कभी आपने, एक्सीडेंटल लॉयर सुना है कभी आपने? अच्छा चले, आप एक क्रिटिक है, ठीक है जी, क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आप एक क्रिटिक है लेकिन आप ड्रामे नहीं देखेंगे? नहीं। आपको काम करना पड़ेगा, आपको पूरा हफ्ता गंदे बुरे अच्छे ड्रामे देखने पड़ेंगे, तभी आप अपने इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप ये कर रहे हैं, जब एक लॉयर वकालत कोई डिग्री लेके वकील बनता है, एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर बनता है, एक एक्टर एक्सीडेंटल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोफेशन को खुद बेइज्जत कर रहे हैं। नहीं, वो ये बात है ना कि अपॉर्चुनिटी एक्टिंग के हमारे पास एक्सीडेंटली आ गई। वी वांट लुकिंग टू बिकम सर। देखिए, अगर एक्सीडेंटली आ गई तो अब आप इसको ओन तो करें। हाँ। आप ओन तो करें। मुझे एक बात बताइए, एक बंदे के पास एक्सीडेंटली एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, वो एक एक्टर बन गया, वो एक एक्टर नहीं बन गया बल्कि वो सोशल मीडिया के थ्रू एक स्टार भी बन गया, अब उसने फॉलोअर्स भी ले लिए हैं और अब उसको एड्स भी मिल रहे हैं और उसको ड्रामे भी मिल रहे हैं। और जो बेचारा नापा से NCA से ट्रेनिंग ले लेके 5-6 साल से अपने घुटने रगड़ है, उसको उस बेचारे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आई एम विटनेस टू अ लॉट ऑफ सीरियल्स जहां पे मैंने ये देखा कि अरे ये तो सीक्वेंस अच्छी खेलता है इसलिए इसको ये रोल मिल गया, ये तो सिर्फ इसलिए अच्छा। आई मीन व्हाई? ओह, आज तो खुल के बात हो रही है जी। मतलब नाम लेना यार, नाम। अरे सर, नाम लिया तो बदनाम हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम ये। लेकिन मैं उनके नाम ले सकता हूँ जो मेरी नजर में डिजर्विंग है, जो मेहनत कर रहे हैं। जैसे आरिज अहमद एक लड़का है, ब्रिलियंट एक्टर, वेरी हार्ड वर्किंग। आवा मुस्तफा एक लड़का है, वेरी गुड एक्टर। जैन अफजल एक लड़का है, एंड देयर सो मेनी ऑफ द बॉयज जो बेचारे लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मेन लीड मेन स्ट्रीम हीरो। इनको क्यों नहीं मिल रही है? इनको इसलिए नहीं मिल रही बिकॉज इनकी सीक्वेंस नहीं खेल सकते, ये सीक्वेंस नहीं खेल सकते, ये बैठ नहीं सकते जाके बेचारे ये, और ये अपने आर्ट पे फोकस कर रहे हैं, दे वर्किंग ऑन देयर आर्ट। और फिर बात ये है कि मैं जो क्रेडिट देता हूँ आपके शो को या और शोज को, वो इसलिए देता हूँ क्योंकि अब वो ये वेब है ना, इसमें कैसे है, तुन के रख दिया। हाँ। तो अब वो जो तुन के रखा हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत सी चीजें ठीक होंगी। अब उसकी वजह से ये होगा कि आप जब ये जिम्मेदारी आप लोगों पे भी आ जाती है कुछ हद तक, कि आप लोग एक ऐसे एक्टर को देखेंगे जो नैला है और एक्सीडेंटल है और अच्छा सीक्वेंस का प्लेयर है लेकिन अदाकार नहीं अच्छा। तो जब आप वो पिन पॉइंट करेंगे तो तब किसी ऐसे लड़के की तरफ तवज्जो जाएगी जो डिजर्व करता है, यू नो। एंड कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग, देन आई रियलाइज कि प्रॉब्लम शायद मुझ में होगी, यू नो।
मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या मैं गलत पाथ पे चल रहा हूं, क्या मैं मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं नहीं बन पा रहा हूं। वरना मैं अगर देख रहा हूं फहद मुस्तफा को, तो फहद मुस्तफा में कुछ ऐसा होगा तो वो स्टार बन गए ना, तभी तो वो बने। उन्हीं के साथ और बहुत से लड़के थे जो नए स्टार बने उस लेवल के। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई रियलाइज कि मैं थोड़ा ओवर वेट हूं टेलीविजन के लिए, मुझे अपना वेट कम करना है। आई रियलाइज कि मैं हीरो की उस दौड़ में 2 साल में फेल हो गया हूं, मुझे कैरेक्टर्स करने चाहिए, मुझे कैरेक्टर्स पकड़ने चाहिए। एंड देन वन गाय एंड वन कॉन्वर्सेशन विद दैट वन गाय चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव ऑफ द होल करियर, विच वॉज नुमान एजाज साहब। I was lucky enough to get a serial with him. And I was playing his brother. It was called Zinda Dargor. And I was mesmerized by Numan. I was like, sitting like this. It was like a man crush situation. Arre, Nomi bhai, Nomi bhai, Nomi bhai. And then one day he said ki, main apne kirdar ko main hero bana deta hu. Main main hero nahi dhoondta. Main apne kirdar ko main hero banata hu. And that was it. अरे यार यही तो बात मुझे सुननी थी किसी से। मैं तो हीरो हीरो मेन लीड वो सो कॉल्ड एक टर्म जो है मेन लीड की, उसके पीछे भाग रहा था। तो मुझे अपने किरदार को हीरो बनाना चाहिए। एंड देन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम देयर दैट पॉइंट ऑनवर्ड 2015-16 ऑनवर्ड्स माई द पैराडॉक्स ऑफ द होल थिंग चेंज्ड फॉर मी। यू नो मैं जिस डब्बे में बंद था मेन लीड में, मैं उससे बाहर निकला और उससे बाहर निकल के मैंने कैरेक्टर्स करने शुरू किए और उन पर फोकस करना शुरू किया। Hence, मुझे सक्सेस आप बात कर रहे हैं कि फिर वो 2 छक्के लग ही जाते थे, वो इसीलिए लग जाते थे क्योंकि मैं इतना सोचता हूँ उसके बारे में, इतना सोचता हूँ कि आई डोंट नो। मैं वही बात है, एक्सीडेंटल एक्टर। मुझे इस वक्त पता है कि कौन सा लड़का किधर काम कर रहा है, कौन सा डायरेक्टर किसके साथ काम कर रहा है, कौन सा राइटर किसके लिए लिख रहा है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, माई प्रोफेशन, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, आई शुड रिस्पेक्ट इट, देन ये मुझे वापस रिस्पेक्ट देगा। अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो बॉस मुझे भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये ब्रेड एंड बटर आपने एक्टिंग को बना लिया, आप कॉर्पोरेट लॉयर थे एंड यू वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, कोई मसला नहीं था। यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, ऑलवेज, एंड इफ यू डिड तो फिर आप उस तरफ किधर निकल गए, जो 3 डिग्रियां भी आपने ले ली, CSS भी कर लिया। मेरे अब्बा जी नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। ये मेरे घर में ही मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरे अब्बा जी नहीं चाहते थे। क्यों? गालां पैंदियां सन मैनूं के पैसे नहीं है, के पैसे नहीं है। और उस जमाने में जब जाहिर है वो काम करते थे, तो ही वाज अ स्मार्ट मैन, ही बिकेम प्रोड्यूसर जब प्राइवेट टेलीविजन शुरू हुआ, एंड यू नो ही मनूवर्ड अराउंड, तो ही मेड अ लॉट ऑफ मनी। बट जनरली स्पीकिंग इट्स अ वेरी रिस्की फील्ड, यू आइदर फेल और यू राइज। सो तो ये तो अच्छा उन्होंने किया था कि आपको अब डिग्रियां बैकअप आपका स्ट्रांग हो गया। आई थिंक जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, उसने अगर मुझे, मैं वकील, मैंने कंटिन्यू नहीं की अपनी वकालत या CSS में मैं आगे नहीं गया, लेकिन उसका फायदा मुझे गया। इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन की तो मैंने उसको नहीं आगे परसू किया, बट उसका फायदा मुझे ये हो गया दैट आई एम, माय कॉन्फिडेंस बूस्टेड, यू नो आई न्यू दैट आई कुड टॉक। मुझे किताबें पढ़ने की आदत हो गई, मुझे जनरल नॉलेज के अंदर रहने की आदत हो गई, करंट अफेयर्स जानने की आदत हो गई। सो यू नो कहीं भी कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हसन, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ कैरेक्टर आप जितनी किताब पढ़ते हैं आपकी प्रेपरेशन हो रही होती है, बिकॉज समहाउ सम वे आप किसी ना किसी से कनेक्ट कर जाते हैं। मैं तो किताबों में से बहुत सी औरतों के ट्रेट्स भी निकाल के अपने कैरेक्टर में डाल देता हूँ, बहुत से अच्छा। और फिर उसके अलावा जब मैं ड्रामे देखता हूँ तो मैं तो सबको कॉपी करता हूँ। मैं कहीं से किसी का कुछ उठा लेता हूँ, कहीं से किसी का कुछ, नोमी भाई की कोई चीज उठा ली, अपने वालिद की कोई चीज ले ली, फिर दोस्त साहब की कोई चीज उठा ली, अपने सलीम मेराज साहब से कुछ, कोई उनका एक्सप्रेशन देख लिया, अगर ये एक्सप्रेशन कहीं दूंगा, जैसे हम कपड़े मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं ड्रामों में, तो ऐसे एक्सप्रेशंस उठा लिए, ऐसे डायलॉग डिलीवरी उठा ली, बिकॉज इंस्पिरेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। ट्रू, कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं इंस्पिरेशन नहीं, तो उनके पास डायरेक्शन ही नहीं है कोई, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन फिर आपने जो 46 प्रोजेक्ट्स किए पिछले 7 सालों में, 46 करने जा रहे हैं, 45 आपने प्रोजेक्ट्स किए अली, हमारे अनफॉर्चुनेटली ड्रामा इंडस्ट्री में उस लेवल का कंटेंट नहीं बन रहा कि बंदा बोले कि हर ड्रामा दूसरे से मुख्तलिफ है, और ऐसा जनरली होता भी नहीं है, बट हमारे केस में थोड़ा सा ज्यादा ही, एक रट में हम फंसे हुए हैं कि घरेलू स्टोरीज और ये और वो और फलाना। इस सिनेरियो में जब आपने 46 ड्रामे किए हैं, 45, आई एम श्योर इवन यू रियलाइज के बहुत ओवरलैप हुआ होगा, जिसमें आपका कैरेक्टर ऑलमोस्ट क्या बल्कि कम्प्लीटली सिमिलर होगा कि यार ये भी इस ड्रामे में मैंने ये किया, इसमें भी ये किया, इसमें भी ये किया।
सो एज एन एक्टर जो बात आप कह रहे हैं कि यू इन इट फॉर द क्राफ्ट नॉट फॉर द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ ड्रामाज और द मनी, हाउ डू यू देन चूज अ प्रोजेक्ट और हाउ डू यू चूज अ कैरेक्टर दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और एन इम्पैक्ट ऑन यू पर्सनली, यार कि मैंने काम किया है, कुछ डिफरेंट काम किया यार, मजा आया, खुशी हुई है। जैसे मैंने जब आपकी अभी परफॉर्मेंस घिसी पिटी में देखी एंड समथिंग व्हाट यू सेड अभी के कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो आपका हीरो बन जाए, नॉट दी अदर वे राउंड। बशारत वो हो गया है, बशारत अभी दो किस्तों के लिए आया है, बट जो ऑरा बशारत का है, जो इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया, वो शायद आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे ड्रामे हो जिसमें आप लीड हो शुरू से लेके एंड तक हो, उन्होंने उतना ना कैरेक्टर्स ने इम्पैक्ट क्रिएट किया हो जितना बशारत ने किया है। सो एज एन एक्टर डोंट यू फाइंड दिस चैलेंजिंग कि यार ये बशारत तो कुछ 7 सालों में फिर एक बार आता है, बाकी ड्रामों का क्या और बाकी कैरेक्टर्स का क्या? बाकी कैरेक्टर्स का ये है कि बात वही है कि अब बात होनी शुरू हुई है कैरेक्टर्स की। अदरवाइज 5 साल पहले मैंने हम टीवी के लिए एक ड्रामा किया था, अगर आपको कभी वक्त मिले जरूर देखिएगा, उसका नाम था ए जिंदगी, एंड आई वाज प्लेइंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। आई वांटेड टू प्रूव माय सेल्फ एज एन एक्टर, आई स्टिल वॉन्ट टू, आई मीन एवरी प्रोजेक्ट शुड इज अ चैलेंज एंड शुड बी अ चैलेंज फॉर एवरी एक्टर, बट वो हाईलाइट नहीं हो सका। वो हाईलाइट इसलिए नहीं हो सका बिकॉज नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट प्लेस बैक देन, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स एंड क्राफ्ट बैक देन, इट वॉज जस्ट द रेस ऑफ रेटिंग्स। मुझे याद है उसके साथ अलविदा आया था, सनम जंग्स डेब्यू प्रोजेक्ट, इट हैड ज़ाहिद एंड इमरान अब्बास एंड सारा खान इन इट, एंड हारिस वहीद एक बड़ा जबरदस्त एक्टर है, उसका भी डेब्यू था वो। अलविदा एंड ए जिंदगी वर क्वाइट सिमिलर इन द स्टोरीज, जो ज़ाहिद कर रहे थे अलविदा में, माई कैरेक्टर वॉज सिमिलर टू दैट, कि एक वायलेंट सा पागल सा इंसान है और शादी हो गई एंड वो शक करता है और मारता पीटता है। I think a lot of and then again एक और बात ये है कि जियो हम ARY the three prime channels have very different audiences। अब आप लोगों के different audiences क्या? वही audience है ड्रामे की। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं जियो के लिए काम कर रहा होता हूँ, अगर consistently कर रहा होता हूँ तो जो ARY का व्यूअर है मुझे कहता है आजकल आप नजर ही नहीं आ रहे, और कहीं दीप जले और दीवानगी के दौरान ऐसा हुआ है कई बार कि लोगों ने आपको मुझे कहा आप ही नजर नहीं आ रहे, और मैं उनसे कहता हूँ अच्छा चले मैं क्या कहूँगा अब आपको कि कहाँ नजर आना चाहिए मुझे। सो यू नो ऑडियंसेस डिफरेंट है, कि आप लोग करवा रहे हैं कि अब ऑडियंस को मर्ज कर रहे हैं। अच्छा ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज मेरी अपनी साली जो है वो हम टीवी स्विच नहीं करती, वो मुझे जानती सिर्फ हम टीवी के ड्रामों से, वो कहती हम टीवी पे आएगा। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? आई डोंट नो, आई थिंक कि जो घर की औरत है, जब वो सुबह मॉर्निंग, अब तो मॉर्निंग शोज भी खत्म हो गए, बट सुबह मॉर्निंग शोज शुरू होती थी तो वो स्विच नहीं करती थी, क्योंकि मॉर्निंग शोज के बाद रिपीट पे रात 8 बजे वाला ड्रामा चलता था, फिर 7 बजे वाला सोप चलता था, फिर 9 बजे वाला सोप चलता था, सो वो जो जिसमें हुक्ड होती थी वो वहां से जाती नहीं। डोंट यू थिंक ये यूट्यूब की जो है ऊपर कंटेंट हमारा इतना पड़ा हुआ है, उसने बहुत आसानी कर दी, हर किसी के पास हर किसी चैनल की एक्सेस है। सर अब की है ना, ये पिछले तीन सालों में आई थिंक हुआ है कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन ये सारे आ गए, तो अब लोग डिजिटल के ऊपर शिफ्ट हो गए। अदरवाइज तो लोग कहते थे कि यार शादी पे अभी नहीं जाना, 8 बजे वाला ड्रामा देखना पहले। सो वो औरत के हाथ में फोन और उसकी टेक्नोलॉजी को समझने का वक्त तब नहीं था, अब वो जो बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने सिखा दिया कि अम्मी इधर भी आप देख सकती हैं। सो यू नो वो एक वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन हमारी इसमें फैमिली ऑडियंस में भी आ गई है। बट जो आप सवाल कर रहे थे उसका जवाब ये है कि अब मैंने अपना घर भी तो चलाना है, so there are lots of plays। नहीं, फिर तो यही बात आ गई, घर तो फिर आप एज अ कॉर्पोरेट लॉयर भी चला सकते हैं, लेकिन मेरा पैशन नहीं था। एक्टिंग वही ना, जब आपने पैशन चूज किया है तो फिर यहाँ पे फिर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, एंड दिस इज समथिंग दैट वी ऑफन टॉक अबाउट इन आवर रिव्यूज एज वेल एज विद एक्टर्स, कि यार फिर एक चीज हो सकती है कि या तो फिर आप क्राफ्ट के पीछे जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैंने घर चलाना है, मैंने अब गाड़ी नहीं लेनी है, तो फिर मैं कोई भी ड्रामा कर लूं। मैं एक ड्रामा गाड़ी के लिए करता हूं, एक ड्रामा क्राफ्ट के लिए करता हूं, एक ड्रामा घर के लिए करता हूं, एक ड्रामा फिर क्राफ्ट के लिए करता हूं। यही बात है ना, ये मजबूरी है ना आपके एक्टर की, क्या करे, मेरा प्रोफेशन है ना ये। देखिए अगर मैं वकील होता फर्ज करें तो सारे केसेस सच्चे तो नहीं लेता, झूठे भी लेता, क्यों, क्या मैं सच्चा इंसान नहीं हूं? हम सोचते तो हैं कि हम सच्चे हैं, लेकिन अगर मैं एक वकील होता तो ये एक सच्चा केस पकड़ता कि ये मैं सच के लिए और हक के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये पैसों के लिए केस कर लेता हूं, कोई बात नहीं यार कुछ कर लूंगा मैनेज। सो ये हमारे मुल्क का अलमिया है, ये हमारे मुल्क के अंदर खास तौर पे अलमिया है कि हमारे यहाँ पर आप अगर किसी भी चीज के प्रोफेशनल हैं तो उसमें मोरालिटी पे फिर ये कॉन्वर्सेशन चली जाएगी और हमारे व्यूवर्स भी वो फिर एक और एक वो कट्टा खुल जाएगा जिस तरह जो कहते हैं। बट आई मीन वन वुड होप के स्पेशली ड्रामों की जहाँ तक बात है, बिकॉज
एंड आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 45 ड्रामे हैं, 45 में से अगर 80% भी क्राफ्ट के लिए हो तो बंदा कहता है यार चलो ठीक है, 20% पैसों के लिए। आपके हिसाब से ये जो रेशियो है आपके ड्रामों का, कितने आपने अभी तक क्राफ्ट के लिए किए हैं एंड यू थिंक कि यार दे बीन वेरी इंपैक्टफुल और दिस इज द काइंड ऑफ लेगेसी दैट यू वांट टू लीव बिहाइंड आफ्टर लाइक 20-30 इयर्स फॉर योर किड्स एंड फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे आपके वालिद साहब आपके दादा ने आपके लिए लेगेसी छोड़ी है, और कितनी कोई ऐसी है जो आपको लगता है यार कि हम ये तो मैंने बस गाड़ी लेनी थी, घर का करना था, शिफ्ट होना था, भाभी को वेकेशन पे लेके जाना था, इसलिए किए? कम किए हैं इसलिए, क्योंकि ये मैंने तब किए, पहले तो मेरे पास काम ही नहीं था, लेकिन जब काम आना शुरू हुआ तो मैंने तब ऐसे प्लेस किए जब पैसे ज्यादा थे, जब मिल रहे थे पैसे, तो इन चीजों के लिए कम किए, यानी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए कम ऐसा काम किया, और उसमें भी बड़ी कोशिश की कि अच्छा चलो इसमें कुछ कुछ डिफरेंट कर लें। एट टाइम्स क्या होता है कि आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे होते हैं बट डायरेक्टर आपको अलाउ नहीं करता, वो एक लाइन पे होता है, वो कहता है बस मैं इस लाइन पे हूं, मुझे इसमें इसको चेंज नहीं करने थे। और बहुत से राइटर्स का मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि ये हमारी लाइन बोलता नहीं है, ये तो हमने लिखा ही नहीं था। एक दफा मेरी शिकायत कर दी थी एक राइटर ने सुल्ताना आपा को कि आप कहें ये तो लाइन बोलता नहीं है। तो जब मुझ तक शिकायत आई, इकबाल हुसैन साहब का सीरियल था वो नजरे बंद, मैंने उनसे कहा कि सर मैं जो लाइन अच्छी होती है वो बोलता हूँ, जो समझ में नहीं आ रही मैं वो नहीं बोल पाता। अब आज भी अगर सुहाग रात के सीन में मैं अपनी बीवी उसी तरह अपना वो जो भी पहना होता है ब्राइडल ड्रेस उसको घुमाकर पूरा फैलाकर फूल की तरह बैठी हुई है बेड के बीच में, और मैं आकर शेरवानी पहनकर उसको फूल देकर कहूंगा कि आज चांद सितारे मिल गए और आज तो खुशबू और आंखों में जो सपने थे, इफ आई डोंट बिलोंग टू दैट क्लास इन द सीरियल व्हाई वुड आई से सच थिंग्स, आई कांट, आई शुड नॉट, इवन इफ आई एम केटरिंग अ सर्टेन ऑडियंस उनको भी तो एजुकेट करना मेरा फर्ज है, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू एजुकेट देम कि अब इन बातों से आगे आना है, अब शायरी से और ये फ्लावरी गुफ्तगू से आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया अब नेचुरल कॉन्वर्सेशन की तरफ चली गई है, दुनिया अब एक्टिंग नहीं कर रही, दुनिया में कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, मेथड एक्टिंग इज ऑलमोस्ट 10% नाउ, 90% ऑफ द एक्टर्स इन द वर्ल्ड आर वेरी नेचुरल एंड दैट इज हाउ दे कनेक्ट टू देयर ऑडियंस, दैट इज व्हाई दे कनेक्ट टू देयर ऑडियंस, क्योंकि वो आम बात करते हैं। अगर मैं उर्दू के मुश्किल लफ्ज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायलॉग डिलीवरी बोलूंगा तो आप तो बजा देंगे मेरी कि अरे क्या बोल रहे हैं यू नो, और अब वो हर बात में फलसफा डाल दूंगा कि एक मैं किसी को वो नहीं कर रहा, डिमीन नहीं कर रहा, बट हर बंदा एक सर्टन मेंटालिटी के साथ चल रहा है। अगर एक हवा भरने वाला जो है वो भी एक फलसफे की बात कर देगा तो जिसने फलसफा बोलना है उसमें और हवा वाले में तो फर्क आपने खुद नहीं छोड़ा। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं हम हर लाइन खूबसूरत होनी चाहिए, तो अगर आपकी आप यहाँ पे सिर्फ लाल फूल ही रख देंगे तो फिर उसमें से एक लाल फूल निकाल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको थोड़ा सा गुड बैड लो हाई को मैनेज करके चीजों को चलना पड़ेगा। एंड आई मेक श्योर कि मैं ऐसा करूं कि अगर हर सीन में नहीं रोऊं, हर सीन में चीखे नहीं मारूं, हर सीन में गुस्सा नहीं करूं, क्योंकि जहां गुस्सा करना है ये मैंने 2-3 अच्छे डायरेक्टर्स से सीखा, और अच्छे डायरेक्टर्स ने मुझे समझाया कि अगर यहां पे उठा के फोन मार दोगे आगे क्या करोगे, सर फाड़ोगे, वो तो नहीं फाड़ सकते, यहाँ पे गुस्से को इधर इतना रखो, यहां से आगे हम ग्रेजुअली इसको बिल्टअप करेंगे ताकि ये वाला गुस्सा तुम्हारा हाईलाइट हो सके। घिसी पिटी में भी बहुत सी जगहों पे अहमद भट्टी साहब ने मुझे बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाने दिया, क्योंकि वो यही कहते थे कि अच्छा यहाँ पे चले जाएंगे हम तो फिर पाजी यहाँ क्या करेंगे और फिर वहां क्या करेंगे, तो इसको ग्रेजुअली लेके चलते हैं, और अब उसमें जो एवोल्यूशन आएगा खैर उस पर बात करेंगे जब अभी हम उसमें मेरे ख्याल में टाइम आ गया कि अब हम घिसी पिटी के बारे में भी बात कर लें। ये जब आया प्रोजेक्ट आपके पास, ठीक है आप कह रहे हैं कि एक टाइम था आपको लगा कि यार के लीड्स नहीं कर सकता मैं या नहीं हो रहा, तो ठीक है कैरेक्टर्स की तरफ चला जाता हूँ, कैरेक्टर्स को लीड बना दूंगा। ये जब आया तो ये तो एंट्री कोई 15वीं एपिसोड में हो रही है, 16वीं में हो रही है, लड़की जो है वो लीड है, दो लड़के पहले आ चुके हैं, इसको आपने फिर कैसे हामी भर ली करने की? इसलिए हामी भर ली क्योंकि मैंने हमेशा चैलेंजेस लिए। मेरा जो पहला ब्रेक थ्रू सीरियल था वो था तुम कौन पिया। तुम कौन पिया में अगर आप पेपर पे लीड देखें और पोस्टर पे लीड देखें तो इमरान अब्बास थे एंड ही इज अ सुपर डुपर स्टार, एंड यासिर नवाज उसके डायरेक्टर थे, आयजा मेन लीड थी। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ इसमें, शादी मेरी होनी है, रहना मैंने है साथ,
वो तो एक अनजान रोमांस है, तो वो होने दो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी मेरी असल बीवी तो नहीं है कि मैंने कि मैं अपने काम पे फोकस करा, कि मैं जेलिस क्यों होना है। तो दैट डेवलप्ड हैबिट इन मी कि मैं कैरेक्टर पढ़ता हूँ। सिमिलरली दीवानगी में मैं 16वें एपिसोड में आता हूँ, और उससे पहले सुल्तान दुरानी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग और वेल एस्टेब्लिश्ड है, बट आई टुक अप दैट एज अ चैलेंज कि अच्छा यार फिर कुछ डिफरेंट करते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं कि जो आई थिंक जो मेरा स्टीरियोटाइप एक्चुअली ब्रेक हुआ वो कहीं दीप जले में और दीवानगी में ब्रेक हुआ था, क्योंकि उनमें आई केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन के नेगेटिव बासिल खाली हाथ नकबजन आमिर, वहां से निकल के मैं अब जरा थोड़ा सा लाइटर रोमांटिक सॉफ्टर रोल्स में आ रहा हूँ। बशारत इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, पहली बात फजी बारी साहब का काम मैं करना चाह रहा था, यू नो इज अ राइटर के जिनका काम डिफरेंट होता है, सो मुझे लगा कि यार ये तो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकता। अहमद भट्टी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, सो द कोलैबोरेशन आफ्टर सो मेनी ईयर्स वॉज एक्साइटिंग। एंड देन आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी जहां मुझे लगा कि ये मैं बहुत ही डिफरेंट कर सकता हूँ, इसकी लुक से लेके इसकी मैनरिज्म को लेके, एंड देन लिंगो, वो बिल्कुल एक कराची की जो अंदर की लिंगो है उस एरिया को डिफाइन करना था। सो दैट वॉज अ चैलेंज, एंड आई न्यू कि मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, बट आई थॉट कि मैं शायद पुल ऑफ कर जाऊं इसको। नहीं कर गया पुल ऑफ इस हफ्ते की एपिसोड जब मैंने देखी ये प्रीवियस एपिसोड, एंड एक चीज जो मैंने नोटिस की, ऑफ कोर्स आपका वो इम्पैक्ट कैरेक्टर का वो सब कुछ है, बट आपकी केमिस्ट्री रमशा के साथ बड़ी अच्छी आई है। इसकी इसकी क्या वजह है? क्योंकि अभी हमने दो पहले बैक टू बैक देखे हैं, वहाज की भी बड़ी अच्छी थी नो डाउट, और शहूद अलवी साहब तो एक बड़े बहुत बड़े अदाकार और अदाकार जबरदस्त बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस थी, बट समहाउ आपकी जो केमिस्ट्री रमशा के साथ है ना, ये पहला हमने असल में सही मानों में जो रोमांटिक ट्रैक है ना, ये रोमांस है वो नजर आया। ये आप लोगों ने कैसे अचीव किया मुझे है? लगता है कि रमशा इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल एक्टर्स आई हैव एवर वर्कड विद। एंड देन सेकेंडली आई थिंक शी इज अ कंप्लीट नेचुरल। बिल्कुल भी वो एक्टिंग नहीं करती, जो बहुत अच्छी बात है। वो अगर अगर अभी अभी जो पिछले एपिसोड में आप बात करें तो उसमें एक सीन है जहां मैं बटवा और वापस करने के लिए आता हूँ, तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ, और अब्बा जी जो पैसे चेक वो कर रहे देख हैं रही खाली। उसे देख रही है। और जब मैं ये सीन देख रहा था तो मैं मेरा दिल करता मैं उसे कॉल करूं, मैं उसे कॉल करके कहूँ कि यार तुम तो मैं क्यों नहीं किया बकवास कर रहा आपने, हूं क्यों और नहीं तुम एक आपने? लुक के साथ मुझे ओवर शैडो कर रही हो, ये गलत बात है, ये ज्यादती है। बट वो इतनी नेचुरल है, और मैं कोशिश करता हूं कि अगर बशारत भी किया है तो इसमें अपने ट्रेड्स डालो, इसको मेथड की तरफ लेके ना जाओ, जो शोखापन मेरे अंदर है उसको निकालूं बाहर। और वो मुझे बहुत मजा आया निकालने का, क्योंकि मैं बड़े अरसे से निकाल नहीं पा रहा था वो शोखापन, सिर्फ घर में या दोस्तों में निकालता था, तो वो मुझे जब ऑन स्क्रीन निकालने का मजा आया उसको बशारत के साथ मिक्स करके, तो वो मजा आया। और रमशा मुझे लगता है एक और कहानी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, पहली बार रमशा को उसका परफेक्ट मैच मिला है, जिस तरह की उसकी आजादाना सोच है, और जिस तरह की वो एक हार्ड कोर औरत है, दिखाई भी है लड़की, सॉरी रमशा, दिखाई भी है। तो ये बशारत एक है, एक फनी आदमी, लेकिन ये भी उसी टाइप का है, आजाद ख्याल आजाद है। ख्याल है, इट डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, केयर्स कि वो क्या कर रहा है। सो वो एक परफेक्ट मैच भी है। एंड प्लस पहले एक दो दिन हम बहुत नर्वस थे एक दूसरे के साथ, बिकॉज वी वर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट देन वी टॉक्ट इट आउट, वी लाइक अच्छा यार थोड़े से रोमांस भी है तो उसको कैसे करना है, एंड वी डिसाइडेड ऑन द फिजिकल बाउंड्रीज एंड कितना क्या करना चाहिए, सो वी वर ऑन द सेम पेज। मे बी दैट्स वाई वो, या अल्लाह का करम भी है, कोई केमिस्ट्री निकल के आ गई। नहीं लेकिन जो आपने लुक में एफर्ट डाली है, बालों जी को जो आपने जी किया है, कपड़ों की आपने की है, शेड्स आपके ऑलमोस्ट हर सीन में कलर उसका भी फर्क हो जाता है, जी तो ये डायरेक्टर की तरफ से था या ये आपकी अपनी इनपुट थी कि यार ये करना है? ये इनिशिएट मैंने की थी भट्टी साहब के साथ, उसके बाद वो उन्होंने अग्री कर लिया था। जो बाल थे वो चेंज करने बहुत जरूरी थे, क्योंकि वो अब मुझे खुद भी लग रहा था कि यार रोज मैं मेकअप चेयर पे बैठता हूँ, वही मेकअप आर्टिस्ट हेयर ड्रायर मार 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 स्प्रे किया और फिक्स खत्म। सो वो एक एक चीज थी कि भाई चेंज करें तो क्या करें। जो एनके मैंने डिफरेंट कलर्स की पहनी है वो बेसिकली रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मैंने एक ट्रिब्यूट दिया, बिकॉज अगेन he's one of the greatest actors of Hollywood right now, and he's playing my favorite character. So वो मैं उससे बहुत inspired रहा था। तो एनके मैंने जाहिर है जैनम मार्केट से जाके खरीदी, बट इट वॉज अ डेडिकेशन टू वन ऑफ माई हीरोज। हाँ एंड एज फार एज द शर्ट्स एंड द पैंट्स आर कंसर्न, आई थिंक बचपन में हमने एक मूवी देखी थी, उसमें वो कहीं जहन में
फंसी हुई थी कि उसको भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करना है, सो वहां से निकली थी. सो ये मिक्सचर है बहुत अलग अलग सी इंस्पिरेशंस का जो एक बशारत बनाया. अच्छा, एक बड़ा इंट्रीगिंग एस्पेक्ट है बशारत की पूरी जो कैरेक्टर है उसकी एवोल्यूशन का, वो है उसका रिलेशनशिप विद द भाभी. अब कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि भाभी हैज द हॉट्स फॉर बशारत, कुछ को ये लग रहा है कि भाभी ऑब्वियसली को और कोई लेना देना नहीं है, उनको बस मतलब है पैसों से कि ये कमा के कमाई कर रहा है, मेरे घर चला रहा है, बच्चों का भी चला रहा है, इसलिए भाभी चाहती है कि किसी और के साथ इसकी शादी ना हो. कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो बशारत और भाभी की डायनामिक है जिसमें ये तू तू करके रेफर कर रहा है भाभी को, ये भी थोड़ी सी ऑड लगती है. इसके ऊपर आप कोई कमेंट करके कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे या ये इंटेग्रल पॉइंट है स्टोरी का, प्लॉट का, जो अभी आप रिवील नहीं कर? अच्छा, वो मैं तू तू वाली बात से शुरू करता हूँ क्योंकि वो मैंने देखा था आपका रिव्यू. मैं बहुत रिलीजियसली देखता हूँ बाय द वे. तो वो आमना जी ने ये मेंशन किया था, तो मैं उस वक्त जब देख रहा था मेरा दिल कर रहा था मैं किसी तरह जवाब दूं इनको, मैं बताऊं तो आज वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दे दी. देखिए, वो जिस क्लास का है और आपने जो बात की थी वो मैं वही बात को थोड़ा एलैबोरेट कर रहा हूँ. जिस क्लास, जिस जगह, जिस मेंटालिटी से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर गुफ्तगू का मैार यही है. और दूसरी बात ये, भाई मर गया उसका, अब वो करता धरता है घर का, सो यू नो ही हैज़ द लिबर्टी एंड द लग्जरी टू डू एंड से व्हाटएवर ही लाइक्स. That doesn't mean he doesn't care for the family or doesn't respect them. बात ये है कि अगर आप, हमने ऐसे भी देखा कि भाई कह रहे होते हैं और शादी भी हो जाती है, तो अगर लफ्जों में ही सिर्फ बात हो तो फिर तो कमाल ही हो जाए. इज्जत तो यहाँ पे होती है या यहाँ पे होती है, जो जिससे भी हम सोच रहे हो जिस वक्त. सो पॉइंट ये है कि वो तू वाली बात तो टोटली उनके इलाके और उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर. ठीक है, मुझे तो समझ आ गई. हाँ, वो उसके अंदर वो, सॉरी आमना जी, वो मैंने तू तू मैं करता नहीं किसी के साथ, बट उधर करनी पड़ी. और हमने उसको चेंज किया विद रमशा. रमशा को तू नहीं कहा, रमशा को तुम कहा, पप्पो को तुम कहा, तुम हाँ, बाकी तुम सब... तुम किया. जो घर में उसकी फ्रैंकनेस है, हमारी घर में फ्रैंकनेस एक अलग होती है, वहां पे तू रखा है उसको. दूसरी बात, जो भाभी के साथ डायनामिक्स है उसका, वो कुछ इस तरह है कि अब वो ओनरशिप ज्यादा है. यू नो, इट इज, इट्स नॉट अबाउट द हॉट्स, इट्स नॉट अबाउट द मनी, ऑब्वियसली इट्स अबाउट द मनी एज वेल, बट इट्स, I think mostly it's about the ownership. नहीं, जैसे भाभी परेशान हुई है कि सामिया आई है घर पे, हाँ. और वो सामिया को कह भी दिए कि मैंने तो इसकी अपनी दोस्त के साथ, बहन के साथ इसकी मंगनी कर दी थी, तो ये वो, ताकि सामिया जो है वो कटे यहाँ से. इसकी क्या वजह है कि why अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने ये भी देखा कि वो कह रहा है कि जी मैंने तो इसी के साथ शादी करनी है, सामिया के साथ, एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. तो why is the भाभी नॉट ओके देन विद बशारत वांटिंग टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू? स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर आ जाएगा इस तरह. क्यों क्यों हो रहा है? बट ये मैं कह रहा हूं ना, ठीक है, ये नहीं है हॉट्स वाली गेम, नहीं है कोई और गेम, कोई और फिर यही होगी कि वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर. बस सोच, इसके अलावा भी है तो फिर ठीक है. इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी कुछ है. चलें, ठीक है, इंट्रीग वैल्यू आपने बिल्ड कर दी है, विच इज ग्रेट. नो, घिसी पिटी मोहब्बत एक जबरदस्त ड्रामा है, जा रहा है. रमशा का भी हमने इंटरव्यू किया, लोगों का फीडबैक भी जबरदस्त आ रहा है. तो नहीं, गुड लक द रिमेनिंग एपिसोड ऑफ घिसी पिटी मोहब्बत. थैंक यू. बट घिसी पिटी मोहब्बत के अलावा, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, क्या हम अली अब्बास से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अगले 7 सालों में 50 और ड्रामे फड़का जाएं और उनमें से आधे वो क्राफ्ट के लिए करें और आधे नई गाड़ी और घर के लिए करें, या अब डायनामिक जो आप कह रहे हैं चेंज हो रही है, लोग भी ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, तो अली अब्बास भी कॉन्शियस हो रहे हैं कि अगले ड्रामे कौन से पिक करने हैं? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्शियस हो रहे हैं, और बहुत हद तक कॉन्शियस हो गया हूँ, बहुत हद तक पिछले एक साल में बहुत हद तक कॉन्शियस हो गया हूँ. और दूसरी बात ये कि मैं तो आई थिंक मैं एज एन एक्टर काम करना चाहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ये काम करना चाहूंगा. आई एब्सोल्युटली लव इट, आई ईट स्लीप ड्रिंक एक्टिंग. मुझे फिल्म्स, टेलीविजन प्लेज, सीरीज, हर चीज देखने का शौक सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे इसी से सीखना है. लेकिन हाँ, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है अब उसके ऊपर काम जो है वो करना जरूरी है, बिकॉज बशारत हैज फॉर्चुनेटली सॉर्ट ऑफ एस्केलेटेड मी एज एन एक्टर, एज अ स्टार. अब लोग नोटिस कर रहे हैं, पहले लोग कहते थे अच्छा एक्टर है, और 6 ड्रामे आ रहे हैं, 6 में एक जैसे कैरेक्टर हैं, तो एक जैसे हैं, अच्छा यहाँ पे यार तू ये कर लेता, यहाँ पे ये कर लेता, बट बशारत एंड उसके अब गेम चेंज हो रही है. सो अब मुझे बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि आया मुझे थोड़ी देर यही गाड़ी रखनी है या किसी क्राफ्ट वाले ड्रामे से ये गाड़ी बनानी है. यू नो, सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट नाउ.
बेसिक्स तो मेरे पास आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब उनको कैसे अपग्रेड करना है वो अपने क्राफ्ट के थ्रू करना पड़ेगा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीरियल दैट आई एम गोइंग टू डू. उसमें एक बहुत डिफरेंट, उसमें भी एक डिफरेंट अवतार में देखेंगे आप मुझे. और तो कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं, जॉनरा क्या है, कैरेक्टर कैसा है? देखिए वो बहुत कास्ट क्या है, थ्रिलिंग है और कास्ट सानिया सईद जो है. अच्छा, शी इज प्लेइंग माय मदर, अज़फर इज प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर, एंड हिना अल्ताफ इज माय लव इंटरेस्ट. सो कास्ट वो है जिनके साथ मैंने पहले बहुत ज्यादा कुछ काम किया नहीं. मैंने अज़फर के साथ एक काम किया और एक सानिया जी के साथ किया, हिना के साथ इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हमारी प्रेप्स चल रही है आजकल बहुत सारी कैरेक्टर के ऊपर, लुक के ऊपर. इज इट फॉर जियो और एआरवाई? इट्स फॉर जियो. There's another one for ARY, but उसकी अभी रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करनी है. सो वो अभी प्रोसेस बहुत प्रेप्स से भी पहले के प्रोसेस में. बट ये कि ये थ्रिलर है जो आप कह रहे हैं, ये थ्रिलर है. अच्छा, ये बहुत ही फिल्मी कहानी है. आई मीन इट्स द स्टोरी इज लाइक अ फिल्म स्टोरी एंड मज़हर मोइन साहब डायरेक्टर है. अच्छा, सो यू नो इट्स गोइंग टू, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट. वो जरा ट्रीटमेंट भी ऐसे ही रखते हैं. कैरेक्टर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. अज़फर गॉट अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर. सानिया जी, खैर उनके बारे में तो मैं, मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए मैं कुछ बोलूं. मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है जो मैंने आज तक किए हैं उनसे. सो अब मजे की बात ये है कि एक वक्त में मुझे सिर्फ नेगेटिव 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 चॉइसेस मिल रही थी. अब लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं. उनको पता है लड़के को एक्टिंग आती है, कर लेता है कुछ ना कुछ, कोई गेम बना लेता है अंदर से निकल के. सो वो अब वो एक्सपेरिमेंटल रोल्स जो है वो देर थ्रोइंग दोज रोल्स टू मी. फॉर्चुनेटली थैंकफुली अल्लाह ने मुझे कर्म कर दिया फाइनली. सो एंड देन प्लस ये कि बहुत से लोग जो है वो अंडररेटेड की भी बात करते हैं. अब बहुत से लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके लिखते हैं या मिलते हैं तो कहते हैं यार अंडररेटेड है यार, बड़ा अंडररेटेड है. तो उसका तो सीन नहीं, जैसे बशारत से आपने प्रूव किया कि टैलेंट है तो इसका मतलब है ना अंडररेटेड है आप. रोल भी तो एक्टर को मिलना चाहिए ना. मुझे एक बात बताएं, सवाल ये किया जाता है पचीनो या डिनेरो, हमेशा हर कोई करता है पचीनो या डिनेरो, उस पर बहस होती है. कभी कोई जैक निकलसन बेचारे के बारे में क्यों नहीं बात करता, who's as great an actor as the both of these actors. तो मैं, अगर जैक निकलसन underrated है तो मैं क्या हूं? मैं खुश हूं फिर underrated लिस्ट में. और एक डायरेक्टर मुझे मिले थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट दिया. उन्होंने कहा यार एक्टर को ऐसे ही होना चाहिए, खामोशी से काम करता रहे और काम बोलना शुरू कर दे उसका. जब आप ज्यादा बोलते हैं तो काम कम बोलता है, जब आप कम बोलते हैं तो काम ज्यादा बोलना शुरू करता है. तो वो मैं खामोश हूँ. अभी कोई इंस्टा पे भी लोग कहते हैं गेम ऑन करो, तो यार नहीं हो सकती, मेरा काम कुछ और है. मैं मॉडल नहीं हूँ. मैं आई कैन शेयर माई लाइफ विद द व्यूअर्स विद द फैंस, बट आई कैन नॉट पोज एवरी डे फॉर अ पिक्चर कि आज जुम्मा मुबारक यानी पिक्चर या आज हफ्ता मुबारक वाली ये पार्टी, ये मैं कर नहीं सकता. आई एम नॉट दैट फेक. बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल ऑन इंस्टाग्राम, गेम ऑन है सबकी. मुझे लगता है मुझे काम में गेम ऑन करनी चाहिए. चले, उम्मीद करते हैं कि आपकी काम की गेम मजीद ऑन हो, आपका काम मजीद बोले. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अली फॉर गिविंग अस टाइम. जाते जाते अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? फैंस के लिए मैसेज ये है कि प्लीज प्लीज प्लीज, ये कोविड ने साबित कर दिया है कि हम कुछ नहीं है यार, हम सिर्फ बड़के मार सकते हैं, पंजाबी में जिसको बड़के कहते हैं हम. बाकी वी डिपेंडेंट ऑन एवरी सिंगल मिनट जो आ रहा होता है. सो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा हम्बल, डाउन टू अर्थ रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बदतमीज ना हो, लोगों की इज्जत करना सीखें. और एक्सीडेंटल एक्टर्स प्लीज, अब आप किसी जमाने में बन गए एक्सीडेंटल एक्टर, अब मान लें ये आपका प्रोफेशन है. इज्जत दें, इसको इज्जत दें, इसको इज्जत देंगे आपको इज्जत मिलेगी. हर सिंगर मिरासी नहीं होता, हर एक्टर कंजर नहीं होता. मेरे भाइयों निकलो इस बात से, राइज एंड राइज प्लीज. जबरदस्त हो गया, आई थिंक दैट्स अ पावरफुल एंड वंडरफुल मैसेज. थैंक यू अली, thank you for your time, thank you for having me at your show. Main to meri to wish list mein se ek tick lag gaya hai. Pleasure. Pleasure. Wish you all the best and inshallah hope to see you soon and talk to you. Inshallah. Thank you.